बावली में नेशनल हाईवे 709 बी पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम सुभाष था, जो जनपद शामली के भनेड़ा गांव का रहने वाला था और वो बड़ौत में लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। सुभाष देर शाम अपनी बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था। जैसे ही वो बावली गांव में पहुंचा तो उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और सड़क पर खड़ी दूसरी बाइक से टकरा गया और उसका सर फट गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। हादसे के बाद घटना पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से सुभाष को CHC भिजवाया, जहाँ से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, मृतक सुभाष ने हेलमेट भी पहना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी सुभाष की जान नहीं बच पाई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अगर हेलमेट की अच्छी क्वालिटी होती तो सुभाष की जान बच सकती थी। ये था, मेरा नाम है परविंदर, परविंदर कुमार, गांव बावली, मावतपुर। ठीक है जी, ये था जो अभी एक्सीडेंट हुआ, ये था सुभाष भनेड़े का, और ये था लाइनमैन था, तो उसका एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ बावली में। ठीक है जी, वो ज़्यादा गंभीर हालत में था। किस चीज़ से चोट लगी भाई? उसका एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल के साथ जी। ठीक है जी, तो एम्बुलेंस बुलाई थी वो सिर्फ 5-10 मिनट के बाद आई, बस 20 मिनट के बाद, मान लो आधा घंटे बाद आई।